इस पूरी एक्सरसाइज में टोटल एट क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन में या तो हमें कौन का सरफेस एरिया फाइंड करना है सरफेस एरिया मींस टोटल सर्फेस एरिया अदरवाइज कॉर्ड सर्फेस एरिया फाइंड करना है इन दोनों फॉर्मूले के बेस पे ही सारी एप्लीकेशन गिवन है पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है सपोज ये कोई कोन है कोन के दो सरफेसेज हैं एक एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ बेस में क्या होता है एक सर्कल होता है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इट मीन्स एरिया ऑफ बेस क्या होगा पाई आर स्क्वायर और जो ये सर्कुलर पार्ट है कोनिकल पार्ट इसका एरिया होता है पाई आर एल अगर हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम फाइंड करेंगे पाई आर एल और अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो टोटल सरफेस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस दोनों को इंक्लूड कर लेंगे इन दोनों में अगर हम पाई और आर कॉमन को ले लें तो ये आएगा एल प्लस यहां पे पाई और आर कॉमन आने के बाद आर आ जाएगा तो ये हमारे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्म जाता है इनके टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम ये अप्लाई करेंगे कर्व सर्फेस एरिया फाइंड करना है तो हम ये अप्लाई करेंगे पाई आर एल अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन डायमीटर स रेडियस कितना होगा रेडियस इज हाफ ऑफ डायमी फाइव बाई टू इसको एज इट इज रहने देते हैं तो रेडियस आ गया हमारे पास टेन पॉइंट फाइव बाई टू और एल की वैल्यू गिवन है हाइट स्लानाइट हाइट इज टेन सेंटीमीटर देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें आर और एल डायरेक्टली वैल्यू गिवन है अगर दोनों वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है हम डायरेक्टली फॉर्मूले अपड करते हैं कर सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन आर इज ऑलरेडी गिवन टेन पॉइंट फाइव बाई टू एंड एल इज टेन सेंटीमीटर स्क्वायर इसको सॉल्व करते हैं ये डायरेक्टली कट जाएगा टू से इसको काट दो फाइव आ गया अदरवाइज टू को ट्वेंटी टू काट से काट सकते हैं हम सेवन से ये डिवाइड हो जाएगा सेवन मिन सेवन और यहाँ थ्री आएगा और थर्टी फाइव सेवन फाइव थर्टी फाइव 1.5. इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे रिजल्ट आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन में हमें कर सरफेस एरिया फाइंड करना था तो ये हमारा कर सरफेस एरिया आ गया इनकेस टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होता तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते और टोटल सर्फेस एरिया आ जाता